नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सर्वे में जमीन की अपडेटेड रसीद और दाखिल खारिज नहीं होने पर जानने की बातें। बिहार के 20 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण विभाग पॉलिसी लागू करने में कर रहा देरी। विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर लगे रोक के आदेश हुए निरस्त। लंबे ब्रेक के बाद आगामी मैच के लिए प्रैक्टिस में लगे रोहित शर्मा। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन में सर्वे की अपडेटेड रसीद और दाखिल खारिज नहीं होने पर जानने की बातें। बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। जमीन सर्वे की ये प्रक्रिया 360 दिनों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से पूरा कर लिया जाएगा। जमीन सर्वे में संबंधित व्यक्ति अपनी जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेजी प्रमाण देंगे ताकि साबित हो सके कि वो जमीन उसी व्यक्ति की है। इस दौरान यदि किसी के पास जमीन की अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। साथ ही अगर दाखिल खारिज नहीं है तो इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन के सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगे जाएंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में किसी तरह की त्रुटि होगी या कमी होगी। यदि आपके पास जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो सर्वे से पहले जमीन के कागजी प्रमाण जुटाने जरूरी होंगे। वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी फॉर्म राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण विभाग पॉलिसी लागू करने में कर रहा देरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए पॉलिसी तैयार हो रही है, लेकिन महिला शिक्षकों की अधिक संख्या के कारण पॉलिसी में बार बार बदलाव किया गया है। उम्मीद है कि रिपोर्ट सितंबर के दूसरे सप्ताह में शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी, जिससे 3 लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ होगा। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट 15 दिन में सौंपनी थी, लेकिन 45 दिन हो चुके हैं। मुख्य समस्याओं में शिक्षकों की मांग को लेकर शहरी ग्रामीण संतुलन, दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति और अनुकंपा पर नियुक्तियों के लिए नए पदों की कमी शामिल है। म्यूचुअल ट्रांसफर और यूपी के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी चुनौतियां हैं, जहां बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार के 20 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल में चक्रवातीय संचरण का प्रभाव बिहार में दिख रहा है, जिस वजह से पटना, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, गया, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर समेत 20 जिलों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की बात भी कही गई है। विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर लगे रोक के आदेश हुए निरस्त। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के और अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान पर लगी रोक को हटा दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ये रोक लगाई थी, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा अब निरस्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र भेजकर वेतन और पेंशन पर लगी रोक से संबंधित आदेश को निरस्त किया है। अमेरिकी कंपनी में मार्केटिंग के नाम पर ठगी के शिकार हुए बिहार के 300 लोग। डिजिटल दुनिया में कदम रखने के साथ ही साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग नौकरी और बिजनेस के नाम पर भी लगातार साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में बिहार से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 300 लोगों से 40 लाख की ठगी अमेरिकी कंपनी GMR में मार्केटिंग के नाम पर की गई है। इस मामले में ठगी के शिकार हुए भूषण कुमार और अन्य 15 लोगों ने साथ मिलकर साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया था। मामले को लेकर भूषण कुमार ने बताया कि पुलिस ने सभी लोगों से कब, कैसे और कितने पैसे लिया गया है, इसकी डिटेल मांगी है। ठगी के शिकार हुए पीड़ित ने बताया कि मुझे एक परिचित से इसके बारे में जानकारी मिली थी। हाजीपुर से कुछ लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। वहां बताया कि कैसे पैसा लगाना है और किस तरह से टास्क पूरा करना है। 1 सप्ताह काम करने के बाद एक साथ पैसा मिलता था। मैंने शुरू में 3 सप्ताह तक इन्वेस्ट किया और मुनाफा भी कमाया। धीरे धीरे और भी लोगों को बताया। देखते ही देखते 300 लोगों ने पैसा लगा दिया। निजी कोचिंग संस्थान सितंबर महीने से निबंधन के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। सितंबर से निबंधन के लिए निजी कोचिंग संचालक अप्लाई कर सकेंगे।
फिलहाल ऑफलाइन निबंधन की प्रक्रिया भी की जा रही है, लेकिन इसके लिए निजी कोचिंग संचालकों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए जिला शिक्षा कार्यालय पोर्टल विकसित कर रहा है। इस पोर्टल के जरिए कोचिंग संस्थान अग्निशमन विभाग से एनओसी के लिए आवेदन भी कर सकेंगे, साथ ही फायर एनओसी के लिए भी वे डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। ये पोर्टल सितंबर महीने से काम करने लगेगी। जो कोचिंग संस्थान मानक पूरा नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में बिहार का मुन्ना भाई हुआ गिरफ्तार। यूपी में शनिवार को पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा थी। इस परीक्षा में बिहार का एक मुन्ना भाई भी पहुंचा था, जिसे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार का रहने वाला ये आरोपी कानपुर के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने गया था। परीक्षा में दूसरे के स्थान पर आए इस मुन्ना भाई का जब बायोमेट्रिक और आधार प्रमाणीकरण किया गया तो मिलान नहीं हो पाया, जिसके बाद वहां मौजूद पदाधिकारियों ने इसकी गंभीरता से जांच की। इसके पास से पुलिस ने आधार कार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र बरामद किया है। फिलहाल इसे हिरासत में लेकर पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। बिहार में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। केंद्रीय जल आयोग और बिहार जल संसाधन विभाग ने जानकारी दी है कि गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर आ चुका है। पटना के गांधी घाट में गंगा का डेंजर लेवल 48.60 मीटर है, लेकिन अभी इस घाट पर गंगा नदी 49.03 मीटर पर दिखाई दे रही है। गंगा नदी के अलावे बिहार में पुनपुन और अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, जिस वजह से दियारा इलाके के रहने वाले लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच जल संसाधन विभाग लगातार तटबंध और नदियों के जलस्तर पर नजर रख रहा है। अररिया पुलिस ने 303 लीटर अंग्रेजी शराब किया बरामद। शनिवार की रात अररिया फारबिसगंज मार्ग पर पोठिया स्थित पेट्रोल पंप के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक वैन से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। वैन के अंदर शराब को लोहे की चादर के पीछे छिपाकर रखा गया था, जिससे वैन खाली नजर आ रही थी। छापेमारी के दौरान 816 बोतल शराब कुल 303 लीटर बरामद किए गए हैं, जिसमें 750 ml की 16 पेटी, 375 ml की 10 पेटी और 180 ml की 8 पेटी शामिल है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक निरंजन कुमार झा के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने वैन की तलाशी शुरू की। शराब तस्कर वैन को लेकर भाग गए, लेकिन पीछा कर उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में तस्करों ने शराब को के छिपाने की जगह का खुलासा किया। यात्री को जेल भेजने की धमकी देकर पैसा वसूलने के मामले में जीआरपी जवान पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के एक यात्री को पटना जंक्शन पर जीआरपी जवानों ने जेल भेजने की बात कहकर 39,000 रुपए वसूले, जिसके बाद पटना जीआरपी के थानेदार पुलिस समेत 6 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही आरोपित सिपाही और 3 ओडी ऑफिसर को निलंबित भी कर दिया गया है। डीआईजी रेल ने इसके निलंबन की अनुशंसा की जा रही है। इन पर रेल यात्रियों को परेशान कर रेलवे को बदनाम करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले सोमनाथ नाइया 1 अगस्त को हावड़ा की ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जंक्शन पर आए थे। रात में वो स्टेशन पर बैठे ही थे कि जीआरपी के जवान उन्हें चोर बताकर थाने ले आए, साथ ही धमकी देकर पैसे वसूलने की कोशिश करने लगे। 39,000 रुपए लेने के बाद इन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया। बाद में इन्होंने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत की, फिर जांच के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। वैशाली में नशे की हालत में हंगामा कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला। वैशाली के राघोपुर पश्चिमी गांव में नशे की हालत में हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस पकड़ने गई थी। हालांकि इस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में जिसमें थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव और आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर फतेहपुर लाया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों 21 वर्षीय अभीक कुमार और 28 वर्षीय अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में डायल 112 के सिपाही राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशे में गाली गलौज कर रहा था और चाकू से हमला कर रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 10-12 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और कुछ पुलिस कर्मियों को पकड़कर बंद करने का प्रयास किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि यह घटना जमीनी विवाद को लेकर हुई थी। पुलिस ने 2 नामजद और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बीपी मंडल की जयंती पर बिहार के राज्यपाल और सीएम समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
वे आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती है। इस अवसर पर पटना में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश समेत कई मंत्रियों ने बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर पटना के देश रत्न मार्ग और सर्कुलर कुलर पथ चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा के नजदीक राजकीय समारोह का आयोजन भी देखने को मिला। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीपी मंडल ने मंडल आयोग की अध्यक्षता की थी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए चिराग पासवान एक बार फिर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुने गए हैं। ये फैसला रांची में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिया गया। इसके लिए लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई भी दी गई है। साथ ही पार्टी ने कहा है कि पार्टी को चिराग के कुशल नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पार्टी आपके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। वहीं इस अवसर पर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए पप्पू यादव निकालेंगे संकल्प यात्रा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए पप्पू यादव राज्यव्यापी संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने एक प्रेस वार्ता के जरिए दी है। उन्होंने कहा है कि मैं काम करने को समर्पित हूँ। यही वजह है कि मैंने लगातार सदन में पूर्णिया के विकास, एयरपोर्ट आदि का मुद्दा उठाया। अब अंततः सीएम नीतीश को पूर्णिया जाना ही पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पूर्णिया, कोसी सीमांचल, मगध को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इसके लिए पप्पू यादव छठ के बाद राज्यव्यापी संकल्प यात्रा निकालेंगे। लंबे ब्रेक के बाद आगामी मैच के लिए प्रैक्टिस में लगे रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका दौरे से लौटने के बाद लंबे ब्रेक पर थे। हालांकि अगले महीने से भारत को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने को लेकर एक बार फिर रोहित प्रैक्टिस में लग चुके हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो में भारतीय टीम के नए सहायक कोच अभिषेक नायर भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है क्रिस कृष्णा, ओमकार सिंह, रंजीत मिश्रा, अरविंद कुमार, चंदन कुमार शाह, विजय राय, दीपक कुमार, मोहम्मद अरमान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।